और ये मैच कट टू कट ही चलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से कल मैच में खेली है, अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश का रेडिंग और डिपार्टमेंट में, रेडिंग और डिफेंस में भी। मोहित गोयट कंटिन्यू रेड करते हुए सेंटर जोन के आगे ही मोहित को पॉइंट मिल रहे। अभी भी मोहित जैसे रेडर को अगर रोकना है तो डिफेंस को थोड़ा यहाँ पर एडवांस टैकल में थोड़ा उनको ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोहित जैसा रेडर अगर सामने से रेड के लिए आता है और इतने एडवांस आप जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि मोहित गोयट को आप इतने एडवांस तरीके से रोक सकते हो। ये नमनदीप की एम्प्टी रेड और ऑल आउट होगा। आशु आशु पहले रेड में उनकी टैकल हुई थी, लेकिन गलती बार बार नहीं होती। एक अच्छा हैंड टच आए, सिंपली खड़े रहे एक सेकेंड और रनिंग हैंड टच उनका और ये ऑल आउट। क्या हिमाचल प्रदेश पे ऑल आउट होगा? लास्ट खिलाड़ी बचे हैं नमनदीप और ये ऑल आउट। अच्छा डिफेंस यहाँ पर हरियाणा से, अच्छी टैकल यहाँ पर आई। जयदीप दहिया सामने है, जयदीप है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जयदीप की खासियत है जब जब वो प्रो कबड्डी में उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो एडवांस भी अगर जयदीप आते हैं तो उनमें उतनी वो ताकत रखते हैं, उनकी क्षमता रखते हैं कि डिफेंडर को वो खुद के दम पर, रेडर को अगर दम पर टैकल करे और रेडर को खुद के दम पर आउट ऑफ द बाउंड ढकेले, आउट ऑफ द बाउंड निकाले। और जयदीप दहिया की ये एक्सीलेंट टैकल यहाँ पर देखने को मिली। ऑल आउट हो चुका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, 4-10 6 पॉइंट की लीड यहाँ पर हरियाणा के टीम के पास। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि राजेश नरवाल जब तक मैट पर है, अच्छा कवर और डिफेंस, एक एज अ सीनियर प्लेयर के तौर पर राजेश नरवाल जब तक ग्राउंड में है तो अच्छा कंट्रोलिंग पावर उनका यहाँ पर है। यहाँ पर राजेश नरवाल रेड, दो रेड उनकी सक्सेसफुल रेड राजेश की। और मुझे पता है कि राजेश को जिस तरीके से मैंने प्रो कबड्डी में खेलते हुए देखा है, नेशनल लेवल पे खेलते हुए देखा है, तो वो उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी देखा ताकत के साथ साथ अच्छी एजिलिटी भी उनमें है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें है। ऐसे नहीं है कि आपके पास अगर स्ट्रेंथ है तो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। अभी भी उन्होंने जो अंडर द चैन एस्केप लिया, काबिले तारीफ था। सामने से कवर आया और डुबकी लगा के वो तुरंत ही मिड लाइन पर पहुंच गए। तो मतलब अगर किसी रेड को सक्सेसफुल, अगर उसकी रेड करनी है, अच्छा रेडर बनना है तो सब गुण आवश्यकता होती है। यहाँ पर पप्पू कुमार की रेड, अच्छा फुटवर्क पप्पू का यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, लेकिन एंकल होल्ड का प्रयास बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अक्षय कुमार यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद थे, एंकल होल्ड वहाँ पर किया लेकिन उसको अंजाम नहीं दिया गया, फॉलो थ्रू एक्शन वहाँ पर नहीं की। जिस तरीके से अगर एंकल होल्ड करते हैं तो एंकल को ऊपर हवा की तरफ उठाना है या फिर एंकल को लेके खुद की जगह डिफेंडर को छोड़नी है, पीछे की तरफ जाना है, या आप उस एंकल होल्ड को अंजाम दे सको। यहाँ पर आशु मलिक की रेड, पहली रेड में उन्होंने कुछ मतलब शॉक दे दिया था कि आशु मलिक की इस तरीके की रेड यहाँ पर हो, टैकल हो गई थी। सेकंड रेड में उन्होंने अच्छा पॉइंट लिया और अभी भी वो जिस तरीके से उनके नाम को साझा परफॉर्मेंस यहाँ पर आशु मलिक कर रहे हैं, वो अपेक्षित है हिमाचल प्रदेश से पप्पू कुमार। यहाँ पर हरियाणा के टीम पे अगर नज़र डाले तो बहुत ही कड़ा डिफेंस यहाँ पर है। अगर नाम लूँ, इतने बड़े बड़े नाम है यहाँ पर, मोहित नंदाल और जयदीप दहिया जैसा डिफेंस यहाँ पर कवर पे मौजूद है और अक्षय कुमार जैसा लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर मौजूद है, मोहित गोयट यहाँ पर, आशु मलिक यहाँ पर मौजूद है। इतने अच्छे रेडर का भंडार यहाँ पर हरियाणा के तरफ से और सेम पोजीशन में यहाँ पर मोहित को पॉइंट मिल रहे। मतलब एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथे बार भी अगर डिफेंडर वही गलती कर रहा हो तो मोहित का एक्शन देखिए, तुरंत ही चेक लिया डिफेंडर को देख के, टर्न किया, अपने पैरों को बचाया, हाथ का हथियार बनाया और वापस यहाँ पर जयदीप दहिया एंकल होल्ड का प्रयास और यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर जयदीप ने किया है। रेडर आया रेड के लिए, रनिंग बोनस की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन वहाँ पर जयदीप मौजूद थे। और जयदीप की खास बात है
कि वो सामने से ब्लॉक करते हैं, बैक डैश भी करते हैं, और अगर उनके सामने जहाँ पर बोनस ऑन हो, अगर रनिंग पोजीशन में रेडर आता भी है तो एंकल होल्ड भी कर लेते हैं, और यहाँ पर मोहित गोयट ने पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर थोड़ी चर्चा हुई कि लगा के नहीं लिया, डिफेंडर तो बोल रहा था लेकिन कभी भी नहीं पता चलता। अच्छा हैंड टच यहाँ पर, रनिंग हैंड टच यहाँ पर राइट इनिशिएट किया मोहित ने बखूबी से, यहाँ पर अच्छा हैंड टच करके मिड लाइन की तरफ गए मोहित। मोहित के ऐसी बहुत सारी एक्शंस है, बहुत सारे स्किल्स है जो मन को भा जाती है। प्रो कबड्डी में उनके इतने बड़े फैन फॉलोअर्स है, मतलब ये आशु मलिक के बारे में भी वही कहूँगी, जो दबंग दिल्ली केसी में प्रो कबड्डी में उन्होंने परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से वो दबंग दिल्ली केसी के टीम को ऊपर लेके आए। हालांकि नवीन कुमार, नवीन एक्सप्रेस इंजर्ड होने के बाद सब जिम्मेदारियाँ सब आशु मलिक के ऊपर थी, सबकी नज़रें आशु मलिक के ऊपर थी, तो जिस बखूबी से उन्होंने दबंग दिल्ली केसी का जो विश्वास है वो निभाया प्रो कबड्डी सीजन 10 में, वो काबिले तारीफ था। मतलब नवीन एक्सप्रेस के बाद यहाँ पर आशु मलिक की, और ये कितना इजी एंकल होल्ड यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल आउट हिमाचल प्रदेश की टीम। लास्ट यहाँ पर रेडर आए थे, प्लेयर बचे थे और एंकल होल्ड। डिफेंडिंग टीम का अगर प्लेयर बच जाता है लास्ट में तो ज़्यादा कुछ कोशिश करते नहीं, ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि लास्ट में बोनस ले लूँ, लेकिन उसका भी मौका यहाँ पर दिया नहीं। यहाँ पर राजेश नरवाल लेफ्ट रेडर, मैं कहूँ आशु मलिक राइट से रेड करते हैं, मोहित गोयट राइट रेडर है, तो लेफ्ट रेडर की जिम्मेदारी निभाने के लिए राजेश नरवाल यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट राइट रेडर का कॉम्बिनेशन हरियाणा के पास है, तो इस टीम को कोई कैसे रोक सकता है, लेकिन ये चैलेंज आज हिमाचल प्रदेश के टीम को है कि ये रोक पाएंगे हरियाणा का इतना बड़ा चैलेंज पप्पू कुमार की रेड। यहाँ पर पप्पू ज़्यादा कुछ खास काम नहीं कर पाए अभी तक, तो उम्मीद तो उनसे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल रेडिंग में अच्छा काम किया था, तो यस ऐसे कुछ काम उन्हें करने पड़ेंगे, ऐसे अटैक्स पॉइंट लेने पड़ेंगे, ऐसे स्किल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इतनी हाइट है यहाँ पर, देखिए कॉर्नर में थे, स्टांस लिया, अच्छा हैंड टच, हैंड सपोर्ट क्रोलिंग करते हुए और लॉबी का एडवांटेज लेते हुए मिड लाइन, मतलब अच्छा स्मूदिंग उन्होंने फिनिशिंग किया अपने रेड का। और यहाँ पर आशु मलिक रेडिंग के लिए, यहाँ पर बोनस का प्रयास ज़रूर है, लेकिन रेफरी देखेंगे बोनस क्या है कि नहीं, क्योंकि बोनस होने के लिए प्रॉपर यहाँ पर पोजीशन, और यस रेफरी ने थम्स अप दिखा दिया और बोनस मिला आशु मलिक को। यहाँ पर रेड के लिए हिमाचल से केशव कुमार, कल पप्पू और केशव की जो जोड़ी है वो अच्छी खासी चली थी, मतलब सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन आज हरियाणा का डिफेंस सबसे बड़ा नाम यहाँ पर राइट कवर पर मोहित नंदाल का, तो चैलेंजिंग रहेगा ये कि इतना बड़ा डिफेंस सामने है तो पॉइंट्स लेने में तो मुश्किल होगी, लेकिन जिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा और उस तरीके से खेलना पड़ेगा अगर हिमाचल प्रदेश कमबैक करना है तो। कम ऑन, यहाँ पर वापस मोहित गोयट की रेड, और यहाँ पर वो एम्प्टी हैंडेड गए हैं मोहित और आशु को इतना, ये हमारे कबड्डी दर्दी कबड्डी प्रेमी कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ कबड्डी का मजा ले रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर वापस से जयदीप दहिया एडवांस एंकल होल्ड, जयदीप ने किया था, ज़रूरत नहीं थी जयदीप की एडवांस एंकल होल्ड की। हरियाणा 21 और हिमाचल प्रदेश 7। वापस से आशु मलिक रेड के लिए यहाँ पर, और डुबकी करने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर अगर हाथ निकालती तो शायद सुपर रेड होती, लेकिन कवर का अच्छा कॉम्बिनेशन, कमाल का कॉम्बिनेशन, कमाल का डिफेंस यहाँ पर। यहाँ पर आशु मलिक को दूसरी बार शायद मेरी ख्याल से सेम टैकल हुई है राइट कॉर्नर की तरफ से, ब्लाइंडली गए, राइट कॉर्नर ने सामने से ब्लॉक किया, वहाँ पर दबोचा उनको और डिफेंस पीछे से आया। यहाँ पर वापस से पप्पू कुमार की रेड,
लेफ्ट जोन टू राइट जोन वो अच्छे से कवर करे, हाइट उनकी अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी है उनको एडवांटेज रहता है कि डिस्टेंस उनको कवर करने को बेनिफिशियल रहता है। मतलब आप मैट पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो इसी चीज़ का बेनिफिट शायद पप्पू लेना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहे। यहाँ पर मोहित गोयंट एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हाइट नहीं, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन 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 यहाँ पर राइट कॉर्नर टैकल पे टैकल किए जा रहे हैं। अच्छा डिफेंस हिमाचल प्रदेश का, जिस तरीके से आशु मलिक को टारगेट बनाया उसी तरीके से भूलना नहीं चाहिए। राइट कॉर्नर पर वहाँ पर नितिन चंडेल मौजूद है, सबसे बड़ा नाम युवा सीरीज में जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उतनी उनकी स्ट्राइक रेट रही है डिफेंडिंग में, तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है जो युवा के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आए हैं, नितिन चंडेल वहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से वो खेल रहे, तो इतना बड़ा युवा सीरीज का एक्सपीरियंस उनके पास है। प्रो कबड्डी में उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था, सबसे बड़ा नाम यहाँ पर नितिन चंडेल यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। राइट कॉर्नर में आप पर ब्लाइंडली जाएंगे तो शायद से वो नहीं छोड़ेंगे, और टाइम आउट लिया था और टाइम आउट के बाद थोड़ा रिफ्रेश होके टेक्निक टैक्टिक्स लेके यहाँ पर वापस से हमारे दोनों टीम के प्लेयर्स मौजूद मैट पर। पप्पू कुमार की वापस से रही, यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, तीन डिफेंडर, क्या पप्पू कामयाब हो गए? अच्छा मौका है उनके पास, अगर वो सुपर रेड करते हैं तो शायद से हरियाणा की टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, सही सही जगह पर वार वहाँ पर हुआ है पप्पू के। बहुत ज़्यादा हाइट होने का डिसएडवांटेज भी यहाँ पर होता है। अक्षय कुमार कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पर दौड़े, यहाँ पर सपोर्ट नहीं था थाइस का, थाइस को उनके पूरे खुले थाई छोड़ के वो भागे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, हाथ रखते थे तो शायद से नज़ारा कोई और था, लेकिन यहाँ पर डाइविंग होल्ड यहाँ पर थाई में पूरा ले लिया वहाँ पर अक्षय कुमार ने। यहाँ पर राजेश नरवाल की रेड, लेफ्ट रेडर राजेश नरवाल एक्सपीरियंस प्लेयर है, टीम अच्छा कंट्रोल करते हैं, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, प्रो कबड्डी का उनका एक्सपीरियंस है, हरियाणा से इतने सालों से वो खेल रहे, वही काफ़ी हरियाणा के लिए कि इतना बड़ा नाम, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर उनके रेडर में, रेडर है, डिफेंस में शामिल है। केशव कुमार वापस से, अभी पप्पू तो आउट ऑफ द मैट है, एक रेडर आउट ऑफ द मैट है और सही दिमाग चलाया पप्पू ने, यहाँ पर चकमा दिया डिफेंस को, चार का डिफेंस था, दिखाया राइट कॉर्नर को और अटैक किया यहाँ पर राजेश नरवाल को, बहुत बड़ा शिकार यहाँ पर, ये लेफ्ट इन पर खड़े थे राजेश नरवाल, राइट कॉर्नर के आंखों में देखा, कुछ मौका नहीं मिला कॉर्नर को और अटैक इनिशिएट करके तुरंत ही विद इन अ सेकेंड वो मिड लाइन की तरफ भाग गए, अच्छे गति से उन्होंने मिड लाइन क्रॉस ली। यहाँ पर मोहित नंदाल का नाम आता है तो राइट कवर, लेकिन अभी यहाँ पर रेड के लिए कोई मौजूद है नहीं, तो यहाँ पर वापस केशव कुमार, क्या हरियाणा का डिफेंस तो अनस्टेबल हो गया है वापस से, कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। मोहित गोयट आउट ऑफ द मैट, आशु मलिक आउट ऑफ द मैट, राजेश नरवाल आउट ऑफ द मैट, और किस तरीके से उन्होंने अच्छा हैंड टच किया, राइट कॉर्नर पे राइट इन पे खड़े थे और आए सेंटर जोन पे ब्रेक लिया और इजीली अटैक करके निकल गए, मतलब डिफेंस सोच में रह गए कि ये करने क्या वाला है, लेकिन दिखाया कुछ और किया कुछ और। नितिन धनकर, यस, ये युवा सीरीज के सबसे सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है नितिन, लेकिन यहाँ पर ऑल आउट नहीं, यहाँ पर टैकल हुआ, एंकल होल्ड हुआ नितिन धनकर का, नहीं दो पॉइंट शायद से मिले, नहीं रेडर आउट ऑफ द बाउंड और ऑल आउट हुआ है यहाँ पर हरियाणा। हिमाचल जो कोशिश कर रही थी, जो कोशिश उन्होंने की उसमें यहाँ पर हिमाचल की टीम है वो यशस्वी हो गई है, प्रयास जो उन्होंने किया था
काबिले तारीफ है उनके जो अफोर्स उन्होंने लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है उनको हरियाणा का। जो बात बनती है तो बिगड़ती भी है, और ऐसा कुछ नज़ारा हरियाणा के डिफेंस में देखने को मिला। जो हरियाणा की बात बनी थी तो बिगड़ी हुई भी नज़र आती है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ स्कोर में ज़्यादा ये नहीं है, यहाँ पर 8 पॉइंट की लीड है फर्स्ट हाफ यहाँ पर, और आशु मलिक रेड के लिए तैयार। यहाँ पर बड़े बहुत हस्ती यहाँ पर मौजूद, अर्जुन पुरस्कार विजेते राजू भावसार यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही चहीते है यहाँ पर, बड़े बड़े हस्तियों की यहाँ पर मौजूदगी है इस ब्लेसिंग्स देने के लिए आए यहाँ पर मैट पर। और ये आशु मलिक, जब एक रेडर फेल होता है तो एक रेडर चलता है। तेजस्वी सिंह गहलोत राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के सर्वे सर्वामय कहूँगी इनको। तो केशव कुमार रेड के लिए, केशव कुमार की एक बात अच्छी है, राइट से भी खेलते हैं और लेफ्ट से भी खेलते हैं, बोथ साइड से रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने जयदीप दहिया को मजबूर किया आने के लिए, बक लाइन पे फुटवर्क किया, ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर डबल माइंड हो गए जयदीप, और ये पॉइंट उन्होंने शायद से गिफ्ट में दे दिया। आशु मलिक की रेड यहाँ पर, चलो मोनी यहाँ पर, मोहित गोयट ने थोड़ा ब्रेक लगाया है, लेकिन आशु मलिक को भी यहाँ पर ब्रेक लगाते हुए लेफ्ट कॉर्नर ने अच्छा एंकल होल्ड इनिशिएट किया। देख सकते हैं एक अच्छी क्रीप बनाई कॉन्स्टेंटली एक जगह पर। आशु मलिक एक थम से गए, ज़्यादा देर अगर आप कॉर्नर के सामने खड़े रहोगे तो कॉर्नर शिकार बनेगा। और ये फर्स्ट हाफ हो गया, विसल पड़ी है, 25 हरियाणा के और 18 हिमाचल के। हाफ टाइम स्कोर है, हरियाणा लीड कर रही है अभी 25 और हिमाचल प्रदेश के 18। 7 पॉइंट से हरियाणा अभी लीड कर रही है हाफ टाइम स्कोर पे, लेकिन सेकेंड हाफ अभी तक हुआ है और सेकेंड हाफ बाकी है, फर्स्ट हाफ भी हुआ है। तो देखेंगे सेकेंड हाफ में नज़ारा कुछ और हो सकता है, तो वेट एंड वॉच बरकरार रही है। सेकेंड हाफ की मैच अभी बाकी है, ज़रूर मिलते हैं सेकेंड हाफ में। मैच नंबर 31, सेकेंड हाफ की विजल बजने वाली है, सेकेंड हाफ की शुरुआत होने वाली है। फर्स्ट हाफ स्कोर हरियाणा 25, हिमाचल प्रदेश 18, 7 पॉइंट की लीड हरियाणा के पास। पप्पू रेड के लिए आया है, बोनस ऑन नहीं है अभी तक, 4 का डिफेंस यहाँ पर मौजूद हरियाणा का। और नज़र है मेरी यहाँ पर, या अच्छा एंकल होल्ड, वॉट एंकल होल्ड, क्या सपोर्ट आया है यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा डीप गए यहाँ पर पप्पू। इतना डीप जाएंगे तो कोई भी कॉर्नर एंकल नहीं छोड़ेगा। 4 का डिफेंस, ऑलरेडी डिफेंस अंदर रहता है बहुत ज़्यादा, 4 और 5 का डिफेंस जब रहता है तो एकदम इजीली हैंड टच करने के लिए गए। और यहाँ पे मोहित की रे डिफेंस यहाँ पर कुछ बता रहा है कि मोहित गोयट बाहर है, लेकिन मोहित यहाँ पर बाहर नहीं, मोहित सेव है। लॉबी में थे मोहित, और लॉबी में रहते हुए उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की, अच्छी रेड मोहित की तरफ से। केशव कुमार की रेड, और केशव की मैं खास बात तारीफ करना चाहूँगी, उन्होंने पहले जो पॉइंट लिए वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, मतलब राइट जोन में लिए, लेकिन अभी वो थोड़ा उनकी रेड चेंज करके खेल रहे। उन्होंने अभी जो फर्स्ट हाफ से पहले पॉइंट लिए तो
सेंटर जोन से आगे के तरफ मतलब राइट कॉर्नर के तरफ लिए, तो उनकी रेड और फुटवर्क चेंज करके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश रेड सक्सेसफुल रेड 43%। आज के गेम में उनका 43% सक्सेसफुल फुल स्ट्राइक रेट है, मतलब इनके रेडर अच्छे चल रहे हैं। लेकिन हरियाणा का कमाल 54% रेड स्ट्राइक रेट है इनका, मतलब इसी का मतलब है कि हिमाचल के रेडर्स से ज़्यादा हरियाणा के रेडर्स ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वापस से यहाँ पर यस राजेश नरवाल यहाँ रेड के लिए, अच्छी खासी हाइट उनकी है, डॉज दे रहे, फुटवर्क कर रहे हैं यहाँ पर, डिफेंस कहाँ पर खड़ा है देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं रिटेंस के ऊपर, गतिविधियों के ऊपर, और शायद उनकी ये फर्स्ट रेड है। तो यहाँ पर परस्यूट का प्रयास मोहित का, ध्यान नहीं था यहाँ पर रेडर का, राजेश रेड के लिए आए थे यहाँ पर, ये मोहित गोयट बहुत अंदर अंदर डीप गए मोहित गोयट, और ये पॉइंट मोहित के नाम, कितने हैं रेफरी गिनेंगे, दाद देनी पड़ेगी मोहित की। मोहित की खास बात यही है कि डीप जाते हैं लेकिन उनका एस्केप कमाल का रहता है, उनको पता है कि उन स्ट्रेंथ वाइज वो थोड़े कम है लेकिन उनमें जो चपलता है, उनमें जो स्पीड है, वो जिस स्पीड से डिफेंस आने से पहले टर्न लेते हैं, मिड लाइन की तरफ रुख मोड़ते हैं, और जिस स्पीड से वो मिड लाइन की तरफ पहुंचते हैं, उनमें उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उतने स्पीड से मिड लाइन तक जा सकता हूँ। डू और डाई रेड, केशव रेड के लिए यहाँ पर टो टच का प्रयास केशव का, और बहुत ही सावधानी से रेड करते हैं केशव, ओवर कॉन्फिडेंस अंदर जाते नहीं है। और ये अच्छी बोनस, कमाल की बोनस ली, मतलब हरियाणा के नाक के नीचे से यहाँ पर बोनस खींच के ले गए केशव, गुड टाइमिंग केशव का, देखा डिफेंस कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आशु मलिक चेक करे, यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, 3 का डिफेंस हिमाचल के मैट पर, लेकिन भूलना नहीं आशु मलिक नाम है इनका, एक एक्सपीरियंस रेडर, उनको प्रो कबड्डी का सीजन उन्होंने तहलका मचा दिया था। व्हाट अ किक, इतना स्मूथ किक उन्होंने किया, सामने वाले राइट कॉर्नर को जरा सा भी मौका नहीं मिला, इंच भर मौका नहीं दिया उन्होंने, मलाई के जैसी किक की उन्होंने सच में। इसके लिए ये आशु मलिक, मोहित गोयट क्यों फेमस है, क्यों चाहते हैं, उनमें इतनी स्किल भरे हुए हैं, जीत दिल जीत लेने वाले स्किल्स। और यहाँ पर राजेश नरवाल बता रहे कि बोनस नहीं हुआ, मोहित को इशारा किया कि रुक जाओ भाई, रेफरी डिसाइड करो आपके बोनस आप दे रहे कि बोनस हुआ कि नहीं है। सेल्वा कुमार फेमस नाम यहाँ पर रेफरी में, प्रो कबड्डी में उन्होंने काम किया है, रेफरी सेल्वा कुमार, अंपायर 1 के पोजीशन पे मौजूद है, एक्सपीरियंस रेफरी यहाँ पर है। और नहीं, यहाँ पर वापस से मोहित की रेड, मोहित नामक जो तूफान है, क्या रोक पाएंगे हिमाचल, शायद से उनको बहुत सारी कठिनाई हो रही है रोकने के लिए। और ये वापस, जैसे मैंने कहा केशव उनकी रेड चेंज करके खेल रहे, फुटवर्क चेंज करके रे खेल, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, चलो बोनस तो ले लिया, लेकिन ये दूसरी बार ऑल आउट हो रहा है हिमाचल प्रदेश, बोनस का पॉइंट तो मिल गया हिमाचल को, केशव ने एक पॉइंट तो दे दिया, एक पॉइंट तो रिकवर कर लिया मैं कहाँ बोलूंगी। और यहाँ पर वापस से टैकल का एक पॉइंट और ऑल आउट का 2, ऐसे 3 पॉइंट हरियाणा के नाम पर। राजेश नरवाल, टीम को अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, 14 पॉइंट से लीड कर रही है हरियाणा की टीम। ये मैच शुरू होने से पहले थोड़ी सी अपेक्षा मुझे थी कि शायद से मैच हरियाणा के फेवर में शुरू से ही जा सकता है, क्योंकि आशु मलिक, मोहित गोयट, मोहित नंदाल, जयदीप दहिया, राजेश नरवाल जैसे बड़े बड़े नाम जिस टीम में शामिल हो तो उस टीम की ताकत को नहीं आजमाना चाहिए, और यही कुछ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर बार बार अगर आप सेंटर जोन से भी आगे जाओगे तो वो भी धोखा है, यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर वापस से कोशिश
रनिंग बोनस करने की, और अच्छा टाइमिंग, अच्छा रनिंग एंकल होल्ड किया राजेश का। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और टाइमिंग के साथ साथ जब टैकल इनिशिएट होती है तो अच्छा डिफेंस का सपोर्ट भी आना ज़रूरी है, और अच्छा सपोर्ट भी हो रहा है हरियाणा के डिफेंस में आशु मलिक रेड के लिए। मुझे नहीं लगता कि अगर डू और डाई रेड के अलावा ये ज़्यादा कुछ कोशिश करेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर पूल डी की ये मैच चल रही तो यहाँ हमारे प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी दूसरे टीम की मैच देखते हैं सावधानती से। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्योंकि लीड कर रही है टीम, तो बैक बेंचर जो है बाहर की जो स्ट्रेंथ है उसे ज़रूर आजमाना चाहेगी ये हरियाणा की टीम। तो यहाँ बाहर बैठे हुए खिलाके या अक्षय राठी, 5 टैकल पॉइंट्स, हाई फाई अक्षय राठी के नाम। अच्छा डिफेंस में काम किया अक्षय ने यहाँ पर, काबिले तारीफ उनका डिफेंस है। अच्छे टैकल जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक किए, एंकल होल्ड, थाई होल्ड किए, और ज़्यादातर एंकल होल्ड में उनका हथकंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि बाहर बैठे हुए प्लेयर्स ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आगे जाके इनके साथ ही मैच खेलनी है, तो ऑब्जर्वेशन देते हैं कि किस तरीके से किसी टीम का डिफेंस है, कौन सा रेडर किस तरीके से काम कर रहे। नितिन धनकर एक फेमस नाम, युवा सीरीज में जिनका बोल बोल लबाला रहा है वैसे नितिन धनकर, और अच्छी काम अभी उनको इस रेड में। कॉर्नर में गए, बोनस किया, इजी मूवमेंट था हालांकि, लेकिन जितने मूवमेंट हमें इजी लगते हैं वैसे होते नहीं है, बहुत मुश्किल रहती है कि सामने वाले डिफेंस से पॉइंट लेकर आना। तो कभी कभी जो मोमेंटम दिखती है यहाँ पर अपील हो रहा है, और पॉइंट मिला है हिमाचल प्रदेश के रेडर को, हैंड टच का अपील था, और रेफरी को जब लगता है देख सकते हैं यहाँ पर हैंड टच किया राइट कवर के ऊपर जयदीप, मोहित नंदाल थे वहाँ पर मौजूद, और अच्छा शिकार बनाया है यहाँ पर नितिन धनकर ने। इनके स्टेट्स देखेंगे तो रेड्स इनके 308 है, टच पॉइंट 125 और बोनस पॉइंट्स 44, स्ट्राइक रेट 55 के लगभग, मतलब उनका जो पीकेएल का 10 का जो स्टेट है जिस तरीके से उन्होंने खुद को डेवलप किया, और हालांकि युवा सीरीज जैसे प्लेटफॉर्म से आगे आकर एक्सपीरियंस लीग जो है युवा सीरीज, वहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रो कबड्डी लीग में गए हैं, नेशनल्स में खेले हैं, तो एक्सपीरियंस तो रहेगा ही लीग का, तो उस तरीके से उनका मनोबल जो है बड़ा है। यहाँ पर सुरेंद्र पाल, उन्होंने शिकार बनाया था यहाँ पर मोहित नंदाल को, और वापस यहाँ पर मोहित गोयट, ज़रूरत नहीं थी उनको यहाँ पर टैकल इनिशिएट करने के, एडवांस के तौर पर आए थे, बाहर थे रेडर आशु मलिक। यहाँ पर जो टाइम देख रहे हैं ना स्क्रीन पर 11:23, 11:22 वो निकलता जा रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने इस टाइम के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए अगर इनको मैच में वापसी करनी हो तो। ऑल आउट करना ज़रूरी है, हरियाणा का डिफेंस तो तगड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरेंद्र पाल हाफ टाइम के पहले तो नज़र नहीं आए रेडिंग करते हुए, लेकिन हाफ टाइम के बाद उन्होंने इस रेडर का इस्तेमाल किया। ये प्लान रहता है, प्लान ए प्लान बी, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश प्लान बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल यहाँ पर है, अच्छी कोशिश उन्होंने की। यहाँ पर हरियाणा के कोच, एक्सपीरियंस कोच यहाँ पर मौजूद है आशु मलिक, एक बार उनके परफॉर्मेंस, 11 रेड 4 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट इनके नाम, 55% स्ट्राइक रेट आशु मलिक का यहाँ पर, मतलब हरियाणा के जो रेडर है उन्होंने अपना 50% से ऊपर अपना परफॉर्मेंस दिया है, डिफेंस में भी हाई फाई हुई है। और नितिन धनकर यहाँ बाहर बैठ गए आउट होके, युवा स्टार है, युवा सीरीज के स्टार है वो, और फैन कोड के माध्यम से वो पहले ही पहुँच चुके हैं युवा सीरीज के जरिए लोगों तक। और यहाँ पर सुपर रेड
केशव कुमार की सुपर रेड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा एक्शन, मतलब मैच शुरू होने के बाद ऐसा एक्शन मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला, ये सुपर रेड का धमाका ये केशव कुमार की तरफ से। यहाँ पर उन्होंने एक फुटवर्क दिया, डॉज दिया, यहाँ पर एंकल होल्ड का प्रयास था, नवीन कुमार ने एंकल होल्ड किया, लेकिन डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो बना नहीं, डिफेंस का कॉम्बिनेशन आया नहीं, इस वजह से शायद से ये सुपर रेड हो गई। अगर डिफेंस आती तो सुपर रेड नहीं होती। आशु मलिक की रेड, और ये ऑल आउट की बात कर रही थी, हिमाचल प्रदेश ने भी दिखा दिया हम भी किसी से कम नहीं और हम कम बैक कर सकते हैं। चलो आशु ने एक बोनस तो ले लिया, लेकिन टैकल का एक पॉइंट देख सकते हैं किस तरीके से आशु को टैकल, वो टीप गए हैंड टच करने के लिए, लेकिन हैंड टच करने के बाद जिस तरीके से वो स्लो हो गए, मूवमेंट स्लो की, उसी का फायदा लेफ्ट कवर ने उठाया और तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर केशव कुमार नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा, 14 रेड 8 टच पॉइंट, 3 बोनस पॉइंट और स्ट्राइक रेट देखिए उनका लगभग 80% के पास, मतलब हिमाचल प्रदेश आज केशव कुमार की बदौलत यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश कर रही है। और सुपर 10 यहाँ पर केशव कुमार का यहाँ पर पूरा हुआ है, 11 पॉइंट्स इनके मैच में, इस मैच में उनके नाम पर हुए हैं केशव कुमार के, एक बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन केशव कुमार का। हरियाणा का कड़ा डिफेंस यहाँ पर, और इस कड़े डिफेंस में मैं दाद दूंगी किस तरीके से वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट खेलते हुए दोनों जोन में वो अपनी जी जान लगा रहे, अपने हिमाचल प्रदेश को पॉइंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हैंड टच डिफेंस को वो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लिया दे रहे हैं कि किस तरीके से मैं खेलूँगा, किस तरीके से मैं फुटवर्क करूँगा, और यही हुआ, लेफ्ट कॉर्नर को अंदाज़ा आया नहीं और तुरंत ही हैंड टच करके बाहर निकल के, बक लाइन के बाहर था वो हैंड टच, और यहाँ पर गलती हुई नमनदीप से, लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े थे, एंकल होल्ड के लिए गए, लेकिन आशु मलिक ऑलरेडी बाहर थे, उन्होंने कुछ एक्शन किया नहीं था, कुछ अटैक इनिशिएट नहीं किया था, तो इतने अच्छे प्लेयर को अगर आप यहाँ पर, केशव कुमार एक बात कहूँगी कि फुटवर्क वो करते ही नहीं है, मतलब अगर आप ज़्यादा फुटवर्क करते हो तो डिफेंस को उसका अंदाज़ा आता है, लेकिन केशव कुमार की अगर बात करूँगी तो उन्होंने जितने पॉइंट्स लगभग कमाए हैं वो विद इन अ सेकेंड, मतलब उन्होंने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया, वो आए कोर्ट में, उन्होंने अटैक इनिशिएट किया और चले गए, मतलब क्विक डिसीजन वो हर बार ले रहे हैं, वो रेड के लिए आते हैं 5 सेकंड में अटैक इनिशिएट करते चले जाते हैं, तो डिफेंस को भी अंदाज़ा आना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर नितिन धनकर एम्प्टी हैंडेड वापस अपने कोर्ट में, वापस से सुरेंद्र पाल रेड के लिए, अच्छी खासी हाइट है, और मुझे इससे लग रहा है सुरेंद्र पाल जो है वो जस्ट बाहर से बक लाइन पे रेड करेंगे और ट्राई करेंगे यहाँ पर हिमाचल के रेडर केशव कुमार, मतलब एक रेड सेव करेंगे और एक रेड अटैकिंग करेंगे, अटैक कौन करेगा, केशव कुमार, और सेफ रेड यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सुरेंद्र पाल से। अभी आशु मलिक रेड के लिए, आशु ने तो अच्छा सपोर्ट किया था रेडिंग में, लेकिन अभी ये बोनस उन्होंने लिया है, डिफेंस कह रहा है बोनस लें, लेकिन ये बातें चलती रहती है, आर्ग्यूमेंट तो होती रहती है, डिफेंस मना कर रहा है लेकिन बोनस रेफरी को दिखा, लेकिन ये अच्छी टैकल, अच्छा टाइमिंग पकड़ लिया इन्होंने, डिफेंस ने राइट कवर पे, जैसे ही बोनस लेके वो निकल रहे थे तुरंत ही राइट से जाके उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद तुरंत ही डैश कर दिया, लेकिन अच्छी टैकल यहाँ पर अक्षय कुमार की। अक्षय का जो परफॉर्मेंस है इस मैच का देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने टैकल आज इनिशिएट की, हाई फाई उन्होंने किया है, ये डाइविंग थाई होल्ड था, सीधे सीधे एक पैर मिला केशव कुमार का, जो उन्होंने टर्निंग मोमेंट लिया वही टाइमिंग पकड़ा, और उसी टाइमिंग पे अक्षय कुमार ने सिंगल थाई डाइविंग होल्ड लगाई और अच्छा सपोर्ट भी आया, मतलब टैकल इनिशिएट होने के बाद अच्छे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। राजेश नरवाल रेड के लिए,
और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से पप्पू कुमार, बहुत टाइम के बाद पप्पू की रेड दिख रही है क्योंकि उनका बड़ा रेडर आउट ऑफ द मैट गया है, केशव कुमार आउट ऑफ द मैट गया है और यहाँ पर एक पॉइंट मिला है हिमाचल प्रदेश को। हैंड टच दिखाया, सामने से डिफेंस आया और तुरंत ही स्लाइड मूवमेंट किया, पैन छोड़े वहाँ पर मिड लाइन की तरफ, अच्छी कोशिश थी। चलो इनकी कोशिश के बदौलत केशव कुमार को तो अभी जीवदान मिल गया है, केशव कुमार मैट पे आ गए। नितिन धरकर की एम्प्टी रेड। नितिन धरकर एक बड़ा नाम, युवा सीरीज से इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे शाइन हुए, वो इतना अच्छा नाम नितिन धनकर को कि आगे का रास्ता उनको मिला। प्रो कबड्डी सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सीजन 10 में काबिले तारीफ। बहुत ही प्राउड फील होता है जब ऐसे खिलाड़ी जब युवा सीरीज से आगे जाके प्रोफेशनल लीग में अच्छा काम कमाते हैं और ये अच्छा काम कमाते हुए हरियाणा का डिफेंस। संदीप यादव फैन कोड के फोटोग्राफर भी यहाँ पर मौजूद है। यस, यहाँ पर हैंड टच की मूवमेंट राकेश की, यहाँ पर हैंड टच किया लेकिन प्रॉपर सामने से ब्लॉक आया, निकल नहीं पाए, मतलब डिफेंस ने जरा भी मौका नहीं दिया और यहाँ पर मौका है नितिन धनकर को। नितिन धनकर पूरे मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं और डिफेंस को, मतलब वहाँ पर डिफेंस को वो मजबूर करते कि आए और मुझे पकड़े, माहौल बनाते हैं डिफेंस में, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और चुपके से अपना काम करके निकल जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है किसी रेडर को, अगर ऑन द मैट रेडर खेलता है और ये एंकल एंकल ऐसे लग रहा था कि पप्पू कुमार यहाँ पर मिड लाइन क्रॉस करेगा हाइट का एडवांटेज लेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा एंकल होल्ड किया नहीं, तो उसके बाद उन्होंने उसको अच्छा निभाया, खींच के रखा और एंकल होल्ड को अंजाम दिया। सपोर्ट की भी तारीफ करूंगी, सामने से कमो जो सपोर्ट आया वो काबिले तारीफ था। राजेश नरवाल, हालांकि सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है लेकिन ज़रूरत नहीं है तो क्यों प्रयास करेगा, क्यों पॉइंट लेने का प्रयास करेगा और क्यों इनिशिएटिव लेगा, तो मैच्योर्ड प्लेयर है, पता है किस तरीके से कहाँ पर मूव देनी है और किस तरीके से मूव करके लेनी है और किस तरीके से मूव बढ़ानी ही है। और रेफरी ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट, आशु मलिक रेड के लिए और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर दिया हिमाचल प्रदेश को। वापस से सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आशु मलिक ज़्यादा कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर 6 और 7 का डिफेंस रहता, बोनस लाइन ऑन रहती तो भी वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो अभी तो बोनस लाइन के अंदर डिफेंस रहता है, 4 और 5 हो 3 और यहाँ पर रेडर, बड़ा रेडर बाहर है, आउट ऑफ द मैट है हिमाचल प्रदेश का। तो मैच खत्म होने के लिए ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर नजर रखेंगे कि 2 मिनट हो के गए हैं अभी तक, वापसी को कुछ आशय अभी नजर नहीं आ रही हिमाचल प्रदेश से और डू और डाई रेड है, जरूरत नहीं लेकिन क्या नितिन धरकर एक्शन में आएंगे, क्योंकि लास्ट 1.5 मिनट बचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि, चलो देखते हैं कि नितिन धनकर प्रयास तो करेंगे ही, क्योंकि हैंड टच और रिस्ट होल्ड, यहाँ पर कमाल का रिस्ट होल्ड। मैच खत्म होते होते हुए भी हमको यहाँ पर अच्छे एक्शंस देखने को मिलती है। नितिन चंडेल वहाँ पर कौन मौजूद है वो देखिए, एक बड़ा नाम, युवा सीरीज का बड़ा अच्छा सितारा नितिन धनकर वहाँ पर मौजूद है, अच्छा रिस्ट होल्ड। मेरी नज़रें यहाँ पर टाइम पर है, जो टाइम ख़त्म होते जा रहा है, जिस तरीके से मैच ख़त्म होने का इशारा, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 37-44 वन साइड लीड, यहाँ पर एक तरफा लीड लिया है यहाँ पर हरियाणा ने, 44 और 37
सात पॉइंट की लीड। हाफ टाइम शुरू होने से पहले भी हरियाणा के पास सात पॉइंट्स की लीड थी, और यहाँ पर मैच खत्म हो रही है, 16 सेकेंड्स बाकी है, और अभी भी यहाँ पर रेड केशव कुमार की, तीन सक्सेसफुल रेड, दो असक्सेसफुल, और ये विसल बजी, मैच खत्म, और हरियाणा 44 हिमाचल प्रदेश 38, सेवन पॉइंट से, सात गुणों से, सात अंकों से हरियाणा ने ये जीत हासिल की है। मैच नंबर 31 जिसने विन किया है हरियाणा, इतना बड़ा रीडर, इतने बड़े डिफेंडर्स, बहुत बड़ा चैलेंज हिमाचल प्रदेश के पास, इतनी अच्छी टैकल हरियाणा के तरफ से, इतने अच्छे रेडर हरियाणा की तरफ से, लेकिन एक नाम हिमाचल प्रदेश का, वो केशव कुमार जो दिलों में जगह बना गया, केशव कुमार जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक आशा की उम्मीद थी, लेकिन सपोर्ट बहुत 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 मायने रखता है यहाँ पर। और ये मैच नंबर 31 यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और आगे के मैच के तरफ हम बढ़ेंगे। आगे की मैच नंबर 36 जुड़े रही है महाराष्ट्र और दिल्ली।